हेलो फ्रेंड्स, makefoodeasy.com में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे ग्वार की फली की सब्जी। गर्मियों में जो ग्वार की फली आती है वो बहुत ही अच्छी आती है और इसकी सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। इसे आप पराठों के साथ, रोटी के साथ आराम से खा सकते हैं और इसे टिफिन में भी आराम से कैरी करके ले जा सकते हैं। फली की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले आप यहाँ देखिए, ये 300 ग्राम मैंने जो है ग्वार की फली ली है। मैंने इसे अच्छे से धो लिया था और आप ये देख सकते हैं इन ग्वार की फली के जो टॉप पार्ट है और बॉटम पार्ट है, हम इसको इस तरह से हटा देंगे। कभी कभी इसमें रेशे भी होते हैं। मेरी तो ग्वार की फली आप देख रहे हैं बहुत ही कच्ची है, तो उन रेशों को भी आप इस तरह से जब करेंगे तो रेशे अपने आप हट जाएंगे, क्योंकि जो कच्ची होती है उनमें तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर पकी होती है तो उसमें वो रेशे आ जाते हैं, वो खाने में अच्छे नहीं लगते। इसलिए ज़्यादा अच्छा है कि छोटी फली इस तरह से जो आती हैं उनको आप यूज़ करें। ग्वार की ये आप फली देख को सकते हैं मैंने इसके टॉप और बॉटम पार्ट कट कर लिए हैं, और अगर कोई ग्वार की फली का साइज़ ज़्यादा बड़ा हो तो आप उसे इस तरह से बीच में से तोड़ सकते हैं। हमें इसी तरह का साइज़ चाहिए तकरीबन, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इन्हें बॉईल करेंगे। बॉईल करने के लिए आप ये देखें, यहाँ मैंने एक पैन रखा है, इसमें हम 2 ग्लास पानी डाल देंगे। पानी को सबसे पहले अच्छे से एक बार बॉईल होने देंगे। ये आप देख सकते हैं पानी में अच्छे से बॉईल हो चुका है पानी। इसमें हम फली को डाल देंगे। हमें इन फली को तब तक बॉईल करना है जब तक कि सॉफ्ट ना हो जाए। तो तकरीबन अभी हम पहले से 5 से 6 मिनट तक कवर कर कर बॉईल कर लेते हैं। जितने हमारी ग्वार की फली बॉईल हो रही है, हम एक मसाला तैयार कर लेते हैं। उस मसाले की आप ये देखिए, यहाँ पर हमें चाहिए 4 से 5 टेबल स्पून ये रोस्टेड मूंगफली है, मैंने इनको रोस्ट कर लिया था। और ये 2 टेबल स्पून नारियल है मेरे पास में, सूखा नारियल है। अगर आपके पास ताज़ा नारियल हो तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों को हम साथ में ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे। हम एक बार चेक कर लेते हैं, आप ये देखिए पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है इसका। इसको बाउल में निकाल लेंगे हम। ये देखिए नारियल और रोस्टेड मूंगफली का पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है। और अब हम जितने हमारी ग्वार की फली उबल रही है उसी टाइम पे हम ग्रेवी भी साथ के साथ तैयार कर लेते हैं। तो हम एक पैन रखेंगे गैस पर और इसमें 2 to 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डालेंगे। सूखी सब्जी में हमेशा जो कुकिंग ऑयल है वो थोड़ा मात्रा में ज़्यादा डालना पड़ता है, जिससे जो सब्जी है वो अच्छे से रोस्ट हो पाए। ये देखिए ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, फ्लेम हम बिल्कुल मीडियम कर देंगे। और अब हम सबसे पहले इसमें डालेंगे, आप ये देखिए 1 टेबल स्पून अजवाइन डालेंगे। इसे हम अजवाइन में छोकेंगे, अजवाइन में बहुत ही अच्छी बनती है सब्जी। 1 इंच, बिल्कुल 1 पिंच हींग डालेंगे, रोस्ट करेंगे इसको। साथ में डालेंगे 7 से 8 करी पत्ता। अच्छे से रोस्ट कर लेंगे इसे। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून। आप ये देखिए मैंने ये चिली गार्लिक जिंजर पेस्ट बनाया हुआ है, जिसमें मैंने 6 से 7 गार्लिक ली है, 2 इंच जो है मैंने अदरक का टुकड़ा लिया है और 1 हरी मिर्ची ली है। आप चाहें तो मार्केट का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं घर का बनाया यूज़ करती हूँ। घर के बनाए में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अच्छे से भूनेंगे हम इसे पहले। ये देखिए जिंजर गार्लिक और चिली के पेस्ट को हमने अच्छे से रोस्ट कर लिया है। और यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ की अनियन ली है, आप ये देख सकते हैं इसको मैंने स्लाइसेस में काटा हुआ है इस तरह। अब इनको भी हम थोड़ा सा पिंक होने तक इसको रोस्ट करेंगे। ये आप देख सकते हैं अनियन का कलर जो है हल्का हल्का गुलाबी हो गया है, जिसका मतलब है अनियन अच्छे से हमारी भुन चुकी है।
और अब हम इसमें डालेंगे मसाले। मसाले जब भी डालें तो फ्लेम बिल्कुल आप कम करें। हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून नमक डाल रही हूँ, नमक आप स्वादानुसार डालें। हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून कश्मीरी मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अच्छे से पहले इसे भून लें मसालों को। मसाले अच्छे से भुन गए हैं हमारे, 1 मिनट हो गया है। और अब हम इसमें डालेंगे 4 टेबल स्पून जो हमने मूंगफली और नारियल का पेस्ट बनाया था वो डालेंगे। इससे आप देखना आपकी ग्वार की फली का जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा बन जाएगा। आप इसे किसी भी जो ड्राई सब्जी हम बनाते हैं उसमें डाल के भी बनाएंगे तो भी सब्जी आपकी बहुत स्वादिष्ट बनेगी। ये आप देख सकते हैं बहुत ही टैम्पटिंग ग्रेवी बनकर तो तैयार हो चुकी है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और अब हम जो हमारी ग्वार की फली हमने उबालने रखी थी उसको हम एक बार चेक कर लेते हैं उतार कर कि सॉफ्ट हो गई हैं क्या अच्छे से। ये आप देख सकते हैं सॉफ्ट हो गई हैं। एक्स्ट्रा पानी जो है हम छलनी की सहायता से निकाल देंगे पहले। ये देखिए अच्छे से उबल चुकी है हमारी और अब हम अगेन से अपनी ग्रेवी पर जाएंगे, फ्लेम ऑन करेंगे और सारी ग्वार की फली जो उबली हुई है इसको इसमें मिला देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे पहले मसालों को हम इसमें। फ्लेम लो ही रखिएगा। इस तरह से थोड़ा सा प्रेस करते हुए आप मसाले मिक्स करें। आप इस रेसिपी से सब्जी बनाएंगे ग्वार की फली, आप ये देखिएगा सब्जी का टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा बनेगा। ये देखिए अच्छे से मसालों को मिक्स कर लिया है और अब हम इसमें 2 टेबल स्पून बस पानी ऐड कर देंगे। ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे, बिल्कुल बस 2 टेबल स्पून ही पानी ऐड करेंगे और इसको 2 मिनट के लिए कवर कर कर रख देंगे। इससे क्या होगा ग्वार की फली में सारे जो मसाले हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। दो मिनट हो चुकी है और ये देखिए बहुत ही यमी ग्वार की फली बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे लास्ट में सबसे 1/2 टेबल स्पून अमचूर पाउडर और 1/4 टेबल स्पून गरम मसाला। अच्छे से मिला देंगे और फ्लेम ऑफ कर देंगे। अच्छे से गरम मसाला और अमचूर मिक्स हो चुका है, फ्लेम ऑफ कर दी हमने और अब हम इसे दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। ये देखिए हमारी बहुत ही स्वादिष्ट ग्वार की फली बनकर तैयार हो चुकी है। आप इस रेसिपी से ग्वार की फली की सब्जी बनाना ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको ये सब्जी कैसी लगी। कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स ज़रूर शेयर करें जिससे मुझे पता लग सके कि आपके घर में सबको ये सब्जी कैसी लगी। नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें जिससे जब भी मैं कोई रेसिपी अपलोड करूँ वो आप तक पहुँच सके। हम नेक्स्ट रेसिपी के साथ जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।